हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड जैसा कि तुम्हें पता है, बीआर का न्यू सीजन आ चुका है एंड यहाँ पे सभी की रैंक यहाँ पे ड्रॉप होके माइनस हो चुकी है। और हमारी रैंक देख सकते हो अभी, वो भी हमारी न्यू आईडी है। इसमें न्यू आईडी, हमने न्यू आईडी बनाई थी, उसी आईडी में हम लोग रैंक पोस्टिंग करने वाले, वो भी ब्रॉन्ज से। स्टार्टिंग से ही हम लोग ब्रॉन्ज से पोस्टिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। और ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना, हमारे पास गन स्किन नहीं है, हमारे पास कोई स्क्वाड नहीं है, तो हम लोग कैसे रैंक पोस्ट कर सकते हैं। तो ये वाली वीडियो उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली वीआर के ऐसे ही एपिसोड देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पे आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। अगर आप लोग रैंक पोस्टिंग करते तो फिर तो मजा आएगा ही, और अगर आप लोग नहीं भी करते हो फिर भी आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खाओ मां कसम। तो ये रहा बीआर का पहला मैच, और ये हमारा पहला ही मैच था अभी सीजन आने के बाद। और यहाँ पे हम लोग लास्ट जोन के अंदर तो आ चुके थे। अभी एक बंदा मेरे को दिखा है, तो इसको मारना है, जरूरी है। ठीक है, पहले ना हम लोग यहाँ पे लॉन्ग रेंज में आ चुके हैं, क्योंकि मेरे पास कार 90 है और सामने वाले बंदे के पास ड्रैगन हो सकती है। ड्रैगन अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हार्ड चल रही है, तो मैं शॉर्ट रेंज में उतना ज़्यादा ट्राई नहीं करूँगा फाइट का। अभी लॉन्ग रेंज से देखेंगे इस बंदे को मारने का, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पुश करना है, तो देखते हैं क्या होगा। वैसे मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया है। अब इसका लॉन्चर से इसका बॉल तोड़ते हैं, फिर चलते आगे की ओर। इसको दो फटके भी मारे और तीसरा भी पड़ गया। अभी रश करते हैं, बंदा बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका है। अब रश करते देखते हैं, और एक खड़ा हुआ था, चलो इसको हेडशॉट के साथ फिनिश कर दिया। खाओ मां कसम। अब इसके बाद हम लोग लास्ट जोन के अंदर आए ही थे, यहाँ पे मुझे एक और बंदा दिख गया जो कि शायद से बॉट था। इसको हमने बॉडी शॉट दिया और ये बंदा खत्म हो गया। यहाँ पे हमारे 10 किल हो चुके थे। अब लास्ट के 3 बंदे लाइव थे मेरे को छोड़कर, और देखते हैं, एक और बंदा मैंने खत्म किया और इसको भी बॉडी के साथ खत्म किया। ये दोनों शायद से बॉट बंदे थे, क्योंकि मेरा रैंक अभी 0 है। और अब लास्ट वाला बंदा पता नहीं एलिमिनेट हो जाते, पता नहीं कहाँ पे हो जाते, शायद से बॉट बंदा था। तो इसी के साथ हमारा सीजन 37 का पहला ही मैच भुजिया निकल जाता है, और इस मैच में हमें 102 का प्लस हुआ था, जिससे हमारा ब्रॉन्ज 2 कंप्लीट हो गया। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मैच की ओर। 12 किल थे हमारे, तो उससे मेरा क्या फायदा। तो यहाँ पे इस मैच की बात करें तो हमारे 10 किल हो चुके थे ऑलरेडी, और यहाँ पे 6 बंदे अलाइव है। एक बंदा यहाँ पे दिखा जो कि बॉट बंदा है शायद से, मतलब कि समझ रहे हो ना, गेम में बॉट आते हैं ना शुरुआत में। अभी कुछ बंदे बॉट आ रहे थे, कम से कम 15-20 बंदे बॉट आ रहे थे, और आधे बंदे अच्छे भी आ रहे थे। तो अभी मैंने एक बंदा यहाँ पे मार के मैं लास्ट जोन के अंदर आया। अब यहाँ पे देखते क्या होगा, बाकी अभी 4 बंदे अलाइव है, तो देखते हैं। 11 किल हो चुके हैं और एक बंदा और मैंने फिनिश कर दिया। ए साइड से बंदा अच्छा था, और लास्ट वाला बंदा अलाइव है, ये तो बॉट बंदा है लग रहा है, लास्ट बंदा है जो बॉट लग रहा है, ये जा रहा है। चलो इसको यहीं से बॉडी मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो गन है ना, मुझे इसमें वो बिपोन गैलरी टाइटल को भी अचीव करना है, और बिपोन गैलरी टाइटल तभी लगता है जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किल करेंगे एक ही गन से। तो हमने इस गेम के अंदर 13 किल किए थे, जिसमें से 10 किल कम से कम मैंने MAC-10 से किए थे। खाओ मां कसम। अभी हमारा कम रैंक है, तो ज़्यादा अच्छे बंदे भी नहीं आ रहे, बट इस गेम में काफ़ी अच्छे बंदे आए थे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया। चलो रश करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, इस बंदे को मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया, और एक गेम का शुरुआती मतलब मैच था, यहाँ पे मैं उतरा हुआ था जस्ट लूट करने के लिए। यहाँ पे एक बंदा मिल गया जो कि तगड़ा था सच में, लिटरली। अब मैंने इसको बॉडी मार रहा था, तभी यहाँ पे एक बॉट बंदा मर गया मेरे से। अब ये बंदा मेरे को मारना था कैसे भी करके, क्योंकि बंदा काफ़ी अच्छा था वैसे यहाँ पे, लेकिन मैंने हेडशॉट से इसको फिनिश किया, और यहाँ पे ये बंदा फिनिश हो गया। अब इसको मारने के बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे आगे की ओर। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे लास्ट जोन था यहाँ पे, और ये लड़की नूबड़ी थी शायद से, तो मैंने इसको मार दिया। अब यहाँ पे लेकिन इसके बाद यहाँ पे एक रियल बंदा आ जाता है, जो कि भाई काफ़ी अच्छा था, बट मैं इसको बॉडी देके फिनिश कर देता हूँ, और फिर चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं। तो बिकॉज काफ़ी अच्छे बंदे आने लगे, बट मेरे 15 किल थे। यहाँ पे कम से कम 35 बंदों में से ना 30 बंदे अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ बंदे ख़राब भी आ रहे हैं, मतलब नूबड़े आ रहे हैं, बॉट बंदे जो कि गेम वाले कंप्यूटर वाले होते हैं, तो यहाँ पे वो बंदे आ रहे हैं। अभी देख सकते हो हमारे 16 किल हो चुका है, और जस्ट यहाँ पे ड्रॉप के पास एक बंदा था, तो मैं इसको मारने के लिए आया हूँ। और देखते हैं ये बंदा कहाँ पे, ये रहा, हेडशॉट दिया यार, तगड़ा हेडशॉट, मरा क्यों नहीं। अभी AW से मारेंगे इसको, AW से मारने का ट्राई करेंगे, तो देखते हैं। बंदा काफ़ी अच्छा लग रहा है, बंदा सच में लिटरली काफ़ी अच्छा है। अरे यार ये नूबड़ा है यार, लिटरली क्या है, नूबड़ा था, मैं सोच रहा था अच्छा है, बट ये तो नूबड़ा था। चलो अभी इसको तो मैंने फिनिश कर दिया, अब सिर्फ लास्ट वाला बंदा लाइव था, तो इसको फिनिश करके मैं यहाँ पे जैसे ही आया, यहाँ पे मुझे पीछे दिख गया, और ये बंदा कोई असली बंदा नहीं था, ये बंदा बॉट था, मतलब समझ रहे हो ना, बॉट आंटी जी थी बट बॉट थी। तो इसको हमने जल्दी से फिनिश कर दिया,
क्योंकि गेम में जल्दी से जल्दी हमको बुइया करना है और गेम को बुइया करके यहाँ पे ग्रैंड मास्टर भी लगाना है। सो इस वाले मैच के अंदर हमको यहाँ पे 77 का प्लस मिल गया था और ब्रॉन्ज 3 कम्प्लीट हो जाता है, साथ में यहाँ पे 3 का स्ट्रिक और 18 किल के साथ। अभी बॉट बंदे आ रहे हैं ना, तो 18 किल हो चुके थे। यहाँ पे देखो अभी ब्रॉन्ज 3 पे होने के बाद हमारा लेवल अप भी हो चुका है, जो कि यहाँ पे 24 लेवल है। ये बिल्कुल न्यू आईडी है, तो मैं थोड़ा समझने के लिए बता दूँ, अभी हम लोग इससे पहले वीडियो जो बना रहे थे उसमें हम लोग सीएस रैंक पुश कर रहे थे, उसके लिए हमने एक न्यू आईडी बनाई थी लेवल 1 की, और उसी का यहाँ पे हमने उसी आईडी के अंदर यहाँ पे बीआर पुश भी कर रहे हैं। तो ए वाली आईडी वही आईडी है, जस्ट चंचल लेवल 1 वाली आईडी थी, वही आईडी है ये वाली। अब इस मैच के अंदर यहाँ पे एक बंदा मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, सो इसकी धुलाई करते हैं। ये बंदा काफ़ी अच्छा था, लिटरली आप लोग देख सकते हो फाइट करते टाइम। ए चिमकांडी निकलना, तेरी बैंड बजाता हूँ, रुक जा यार। ये बंदा काफ़ी अच्छा है यार, सच में यार मैं वैसे भी डर रहा हूँ यार इस बंदे से। यार मेरा केडी है घट जाएगा अगर, बट नूबड़ा बंदा है फिर भी केडी घट जाएगा अगर मार देगा ना, तो इसका देखते हैं क्या होगा। बट मेरे को रैंक पुशिंग करना है, इसको मारने से कोई दिक्कत नहीं, अभी मारने को तो मैं अभी रश करके इसको मार दूंगा, बट देखते हैं। मेरे को यहाँ पे कवर फायर का यूज करके मारना है, लॉन्चर से मारना है, तो देखते क्या होगा। बट यहाँ पे मेडिकेट मारते हैं, मेरे में ही लॉन्चर पड़ गया, फिर देखते क्या होगा। बंदा भी यार झाड़ी बन के आ रहा है मेरे मुँह पे, चलो अभी तो लॉन्चर है तो कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली ये बंदा ख़त्म हो जाता है। अब इसी के साथ हमारा देख सकते हो यहाँ पे 9 किल हो जाता है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे मेडिकेट मार के जल्दी चलते हैं आगे की ओर, और देखते हैं आखिरी के 5 बंदे अलाइव हैं जो कहाँ पे हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने उस बंदे की लूट बॉक्स यहाँ पे मैक 10 उठा ली थी, क्योंकि लॉन्चर का एमओ नहीं बचा था। अब मैंने स्कैनर छोड़ा है, देखते हैं बंदे यहाँ पे आएंगे, तो चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ पे एक बंदा भी आया, चलो चलते हैं लॉन्च पैड लगाते आगे चलते हैं। एक बंदा है जस्ट, तो उसी के मुँह पर गिरेंगे, देखते हैं कहाँ पे बंदा है। वैसे तो मैंने वो इसके मुँह पे ही लगाया, देखते हैं बंदा यहीं पे, यार ये रहा, चलो अब इसकी बैंड बजाते हैं। और भाई पीछे भी बंदा है यार, फंस गया मैं, चलो अभी देखते हैं क्या होगा। मेरे को बुइया चाहिए कैसे भी करके, अब चाहे कैसे भी बुइया निकले, डैमेज भी दिया मैंने वो हेड मारे, अभी देखते क्या होगा। ओ भाई यार एक कार वाला कहाँ से आ गया भाई, इसने कार ही सीधा घुसा दी मेरे ऊपर। इसकी बैंड बजाऊँगा मैं अभी, रुक जाओ, अभी पहले मेडिकेट मारते हैं। तत्सुया का उपयोग देखा आपने, अगर आप लोग भी तत्सुया का उपयोग करते हो ना, तो भाई बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप लोग कोई भी कैरेक्टर का यूज करते हो, तो सबसे ज़्यादा तत्सुया यूज करो, या फिर वो क्या नाम है उसका, यार मैं भूल जाता हूँ, हाँ तो अभी याद आया, ड्रोन यूज कर सकते हो आप लोग। ड्रोन काफ़ी ज़्यादा, अभी मुझे लगता है ड्रोन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है रैंक मैच में, सीएस में भी, सीएस में तो होता ही है, बट वीआर में भी हो सकता है। अगर आप लोग रस खेलते हो तो आप लोग ड्रोन यूज कर सकते हो। तो इस बंदे को तो मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया था, अब लास्ट वाला बंदा लाइव है, देखते हैं कहाँ पे है, मतलब है तो सामने ही, अब इसको बॉडी बॉडी मारेंगे या हेडशॉट देंगे, देखते हैं क्या होगा। इसका बॉल तोड़ते हैं, इसको पैनिक करते हैं सबसे पहले। आप लोग भी इसी ट्रिक का इस्तेमाल करना, अगर बंदे के पास ज़्यादा बॉल होंगे लॉन्ग रेंज में, तो इसके बॉल तोड़ने का ट्राई करना, जिससे बंदा एकदम डर जाएगा। अभी बंदा कहाँ भाग गया भाई, लॉन्च पैड लगा के इतने दूर भाग गया, करना क्या चाहता था, ये हील बैटल करना चाहता है क्या, इतने दूर जाके हिल बैटल करेगा, जॉन में मर ही जाएगा। अभी इसको डैमेज तो दिया है भाई, बंदा इतने मर क्यों नहीं रहा। मुझे लगता है शायद से इस बंदे के पास लिक्विडा कैरेक्टर होगा, वो फुटबॉल वाला होता है ना, उसे इसको 50 एचपी एक्स्ट्रा मिली होगी, तो जब ही नहीं मर रहा है, 280 एचपी हो जाती है, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया, बट बंदा मरने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी ये बंदा जॉन में आएगा, तो इसकी बैंड बजाएंगे, देखते हैं। और आया यार, इसने बॉल डाला है, और ये लो फाइनली ख़त्म भाई, इतना ज्यादा पीटने के बाद ये बंदा मरा, और हमारा बुइया हो जाता है। शाबाश बेटा। अब बैक होने के बाद हमारे यहाँ पे ब्रॉन्ज 3 से यहाँ पे सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में इस मैच के अंदर हमको 116 का प्लस मिला था, 11 किल के साथ 4 का स्ट्रिक भी बन जाता है। छोटी बच्ची हो क्या। अब यहाँ पे इस मैच के अंदर मैं जस्ट यहाँ पे बीमा शक्ति पे लैंड किया था, लेकिन यहाँ पे जस्ट मेरे पीछे वाले घर में, मतलब कि एल शेप में एक बंदा उतरा था, सो मैंने यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे लूट किया, मेरे को AK मिल गई और UG भी मिल गई। चलो अभी देखते हैं कोई शॉर्ट रेंज की अच्छी सी वेपन मिल जाएगी, तो देखते हैं उस बंदे को ही गोभी खोदते हैं। तो यहाँ पे M10 मिल चुकी है, अब चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं वो बंदा कहाँ पे, शायद से मेरे को मारने के लिए आ सकता है वो, तो देखते हैं क्या होगा। बंदा यहाँ पे आएगा तो देखते हैं, नहीं तो हम ही चलते हैं उसके पास पहले, देखते हैं यहाँ पे तो नहीं, अरे यार मैंने बोला ही था आएगा, और ये तो नूबड़ी है यार, यहाँ पे M10 तो मारा, स्प्रे दिया, और चलो फाइनली हेडशॉट के साथ ये फिनिश हो गई। सो हमारा यहाँ पे देख सकते हो पहला मैच निकल जाता है इस मैच का। अभी यहाँ पे काफ़ी अच्छे बंदे आने लगे थे, भले ही मेरा अभी सिल्वर रैंक है, बट बंदे काफ़ी अच्छे आने लगे थे।
अब ये लड़की यहाँ पे एक बार मरने के बाद यहाँ पे फिर से उतर गई और इसको मैंने यहाँ पे फिर से यहाँ पे फिनिश कर दिया और ये लॉबी में चली गई। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब यहाँ पे इसको फिनिश करके मैं इस तरफ आया ही था कि यहाँ पे मेरे को एक तगड़ा सा फुटस्टेप आया बंदे का, फिर मैं आगे जाके देखा तो ये बंदा यहाँ पे आ गया। अब इसको मैंने हेडशॉट दिया और ये बंदा भी फिनिश हो गया। ये बंदा शायद से रिवाइव होके गिरा था, अभी गिरा था। इसके पास जीएटीन था, बंदा मतलब नॉर्मल था बट हाँ बंदा तो रियल था, तो बॉट नहीं था ये बंदा। और यहाँ पे मेरे को कार मिल चुकी है, तो चलते हैं अब आगे की और बंदे को ढूंढते मारते। तो देखो यहाँ पे मेरे 3 किल हो चुके थे, अभी यहाँ पे आके मुझे एक लड़की यहाँ पे दिख गई। तो देखो मैंने इसको यहाँ पे कैसे मारा भाई, मैक 10 काफ़ी खतरनाक चलती है, लिटरली बता रहा हूँ। मैक 10 चलाओगे ना आप लोग तो भाई मज़ा आ जाएगा, बस उसके लिए आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ेगी, थोड़ा ट्रेनिंग राउंड में खेल लेना एक बार दो बार, तो मैक 10 आप लोग अच्छा चला सकते हो, अच्छा खासा मार सकते हो हेडशॉट वगैरह। तो यहाँ पे मैक 10 ही चलाता हूँ मैं, हमेशा से मैक 10 चलाता हूँ BR में और CS में भी बहुत ज़्यादा चलाता हूँ, तो आप लोग चला सकते हो। ये वाली फेवरेट गन है मेरी, बिना स्किन की भी काफ़ी अच्छी चलती है। MP5 की तुलना करें ना अगर इस मैक 10 से तो भाई भूल जाओ भाई, MP5 को भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम MP5 से बेस्ट वाले बंदे को मारोगे ना 4K लेवल बेस्ट वाले बंदे को, तो भाई बंदे को डैमेज ही नहीं लगेगा। और मैक 10 का तो भाई हमेशा से 15 के ऊपर का डैमेज ही लगता है, तो आप लोग मैक 10 को चला सकते हो या फिर बायजन वगैरह चलाना। जिसके पास गन स्किन नहीं है उसको बता रहा हूँ मैं, अगर गन स्किन है MP5 की तो आप लोग चला सकते हो, फिर तो MP5 बेटर है, बट अगर गन स्किन नहीं है तो आप लोग चला सकते हो मैक 10। तो मैंने आपको सजेशन दे दिया, अगर आपको चलाना है तो चला सकते हो। अब इस बंदे को मारते, इसको खटिया खड़े करते और हेडशॉट के साथ ये बंदा भी ख़त्म हो जाता है। अभी हमारा 6 किल हो चुका है, लास्ट के 11 बंदे अलाइव हैं। सो मैंने गाड़ी उठाया और इस तरफ आ ही रहा था कि यहाँ पे मुझे एक बॉल दिखा, बट पीछे से बंदे ने मेरी गाड़ी को आधा फोड़ दिया। अब इसको देखते हैं, इसकी गोभी खोदते हैं। भाई बंदा गाड़ी फोड़ दिया मेरा, अब इसकी गोभी फोड़ देंगे। अरे बंदा रियल है वैसे, बॉट नहीं है, रियल है। और भाई क्या ही ज़बरदस्त हेड लगा इसको भाई, सच में यार लिटरली बहुत ही खतरनाक हेड लगा था। और तो चलो और की कहानी भी सुना देते हैं। अब हमारे यहाँ पे 7 किल हो चुके थे, अब मैंने गाड़ी उठाया और आगे जा ही रहा था, यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिख गया जो कि भाई बहुत ही तगड़ा बंदा मिला भाई, क्या बताऊँ। इसके पास मैक 7 था, अब इसको देखो इसकी गोभी खोदेंगे, तो देखते हैं क्या होगा। वैसे तो मेरे को नहीं लगता मैं इसको मार पाऊँगा, बट देखते हैं क्या होगा। मेडिकेट मारते हैं बंदे के पास भाई मैक्सिमम है, उसने पूरा 8 का 8 गोली उतार दिया मेरे सीने पे। अभी देखते हैं इसका क्या होगा, मतलब कि इसका नहीं मेरा क्या होगा भाई, बंदा भाई मरने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, कितना डैमेज लग रहा है, ये गेम नहीं है यार, इतना ज़्यादा डैमेज देने के बाद बंदा नहीं मर रहा यार, डैमेज पता नहीं क्यों नहीं लग रहा यार। चलो अब जाके मरा भाई यार, इतना ज़्यादा मारा भाई क्या बताऊँ। चलो इसको मार के यहाँ पे 8 किल हो चुके हैं, अब लास्ट के 4 बंदे अलाइव हैं, तो चलो मेडिकेट मार के चलते हैं आगे की ओर। चलो थोड़ा सा लूट लिया, अभी यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखते हैं बंदा। यहाँ पे मेरे को एक फायर का साउंड आया था, तो देखते हैं यहाँ पे बंदा है शायद से भूकंप वाला, दिखा भी है मेरे को, यहाँ पे लेफ्ट में है शायद से ये रहा। वेट गाइस थोड़ा वेट करो, ओ तेरी की, और हेडशॉट, अरे यार मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज लग गया। इसकी बैंड बजा दूंगा अब की बार, बता रहा हूँ मेरे को यहाँ पे वाला मैच भूलिया चाहिए कैसे भी करके, तो बंदा काफ़ी अच्छा था बट मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया। और चलो जॉन में चलते हैं, नहीं तो जॉन में ही गोभी खुद जाएगी हमारी। और यहाँ पे तस्वीर भाई देख सकते हो, तस्वीर कितना ज़्यादा काम आ रहा है, आप लोग भी तस्वीर का यूज़ करना भाई, काफ़ी ज़्यादा मस्त है यार सच में। रैंक मैच में तस्वीर या फिर ड्रोन का यूज़ करो, उस कैरेक्टर की भाई कोई लिमिट ही नहीं है, अगर आप लोग करते हो ना तो भाई बंदे को मारना आसान हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग गाड़ी घुमाते गए, यहाँ पे लास्ट के 2 बंदे लाइव हैं, जो कि यहाँ पे एक बंदा भाई गाड़ी में बैठ के यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा था, इसको मैंने हेडशॉट में दिया और ये बंदा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे लास्ट वाला बंदा लाइव है, 10 किल हो चुके हैं, ये ऊपर रहा, इसने काफ़ी डैमेज दिया, इसकी बैंड बजाएं मतलब कि इसकी गोभी खोदेंगे। अरे बेटे रुक जा, गोभी खोदेंगे मटर छीलेंगे क्या करेंगे बताओ, गोभी नहीं खोदेंगे अब की बार, मटर छीलेंगे इसकी मटर। अरे यार बंदा काफ़ी अच्छा SKS है ना, इसके पास बंटे वाली गन है, डर लग रहा है यार ये बंदा बंटे अपना मार दे भुया चला जाएगा ना, तो मेरे को रिस्क नहीं लेना है, भुया चाहिए हमको कैसे भी करके, KD को हाई रखना है और रैंक को भी प्लस करना है। तो हमारा टारगेट है, टारगेट से भटकना नहीं है हमको, यहाँ पे अपने रैंक को बढ़ाना है ठीक है, हमें भुया से मतलब है, हमको बंदे को मारने से मतलब है, कैसे भी मरे वो बंदा। तो देखते हैं बंदे को वेट करते हैं, और हम लोग जोन के अंदर आ चुके हैं, अब देखते हैं बंदा काफ़ी अच्छा है, 150 दिया है मैंने, इसको ट्राई करते हैं AW से, ओनली AW चैलेंज करते हैं, अभी इस बंदे को ओनली AW से मारेंगे।
भाई यार फिर कनेक्ट ही नहीं हो रहा। अभी ओनली AWM से मारेंगे इसको, ठीक है ट्राई करते एक बार। और फाइनली बंदा खत्म हो गया तो ये वाला मैच भी निकल जाता हमारा भूया। और इस मैच में देख लेते हैं हमको कितना प्लस मिलेगा। ओके तो इस गेम में हमको मिल गया टोटल 100 का प्लस, ब्रॉन्ज 2 भी का साथ में कंप्लीट हो गया और हमारा 5 का स्ट्रिक भी हो गया 11 किल के साथ। खाओ मां कसम। अरे बस कर भाई। तो इस वाले मैच के अंदर मैं आया था ब्लू जोन के अंदर, जस्ट यहाँ पे मेरे को MAC-10 चाहिए थी, शॉर्ट रेंज की वेपन चाहिए थी। अब मेरे को यहाँ पे कोई शॉर्ट रेंज की वेपन नहीं मिली थी अच्छी खासी थी, तो मैं यहाँ पे आया ही था कि मुझे यहाँ पे तगड़ा फुट से पाए बंदे का। अब देखो मैंने इस बंदे को कैसे मारा। बेट वो तेरी कहाँ पे यार बंदा, यार फुट से पा रहा है तगड़ा, ये रहा। और भाई फाइनली कितना तगड़ा हेड लगा। चलो ये बंदा तो खत्म हो गया, अब हमारा 4 किल हो चुका है। चलो अब चलते हैं यहाँ पे, वीडियो को कट करते हैं और चलते हैं आगे की ओर। तो आपको दिखाते हैं गेम प्ले, यहाँ पे लैंडमाइन लगाए थे इस बंदे ने, काफ़ी अच्छा बंदा था मतलब। तो वहाँ से आने के बाद मैंने एक ड्रॉप को लूटा था जहाँ से मुझे AWM और MP5 मिल गई थी, और एक बंदे को, दो बंदों को भी मारा था। अब यहाँ पे मेरे को एक बंदा और दिख गया, इसको मैंने गाड़ी से उड़ा दिया और दिमित्री लगाया, बट मैंने इसको जैसे भी करके डाउन ले लिया। और ये बंदा लिटरली बता रहा हूँ काफ़ी अच्छा बंदा था, शायद से 75 या 76 लेवल का था, मैं गारंटी से बता रहा हूँ, आप लोग विश्वास करो मेरा, ये 75 या 76 लेवल का था, क्योंकि मेरे को इसने गेम के बाहर भी बुलाया था तो मैं बता रहा हूँ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा पक्का, बट हाँ 75 या 76 का था। तो मैंने इसको मार दिया था, बट यार इतनी लो रैंक में भी बंदे आने लगे हैं अच्छे, तो भाई सोच सकते हो ना। अभी यहाँ से हम लोग लूट करके यहाँ पे आए थे, मेरे को एक बंदा और यहाँ पे दिख गया, इसकी गोभी खोदेंगे, देखते हैं भाई बंदे के पास ओरियन है तो देखते हैं, वैसे MAC-7 हो सकता है इसके पास, क्या है पता नहीं, MAC-7 ऐसा ऐसे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज है इस बंदे को। अब चलो रेस्ट करते हैं। MP5 पता नहीं लैग से हो रहा है हल्का सा, MP5 में पता नहीं क्या होता है, साउंड भारी से आने लगता है और स्क्रीन अटकने लगता है। तो MP5 मैं तो कम ही चलाता हूँ इसलिए, अभी मैं सबसे ज़्यादा MAC-10 चलाता हूँ, उसमें सबसे अच्छा स्मूथ चलता है गेम। तो यहाँ पे इसको मारते हैं, पहले देखते हैं, डैमेज काफ़ी ले रहा हूँ यार, बंदा मर ही नहीं रहा है, मुझे लगता है ना एक ग्लिच हो रहा है यार, इतना ज़्यादा डैमेज देने के बाद बंदा नहीं मर रहा है। चलो फिर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं अभी, और डैमेज फिर से दिया अभी MAC-7 के बाद, फाइनली बंदा फिनिश हो गया। भाई कितना ज़्यादा डैमेज दिया, लिटरली बता रहा हूँ ग्लिच फायर इसका नाम, फ्री फायर नहीं ग्लिच फायर रख दो इसका नाम। तो यहाँ पे सिर्फ अभी लास्ट वाला बंदा बचा है, इसको लूट कर चलते हैं, इस बंदे की भी पेटी बनाते हैं। लास्ट बंदा अरे पीछे है, मेरे को पता नहीं था, अभी इसने लोकेशन दे ही दिया, तो चलो इसकी भी पेटी बनाते हैं। मेरे पास यहाँ पे AWM है, इसको AWM से मारने का ट्राई करेंगे, ठीक है यहाँ पे AWM मारेंगे, ओनली AWM चैलेंज करेंगे। अभी लास्ट बंदा है, ये बंदा काफ़ी अच्छा लग रहा है, फिर भी देखते हैं ट्राई करते हैं, मज़ा आएगा, देखते हैं क्या। अरे सेटिंग क्यों खोल रहा था, चलो भी देखते हैं ये बंदा रहा, इसके पास कौन सी गन होगी, शायद से मुझे लगता है बाईजन है, शायद से लग रहा है पता नहीं। और चलो एक फटका दिया है, अभी देखते हैं 150 लग चुका है और ये फाइनली ख़त्म। शायद से बंदा नूबड़ा था, मतलब बंदा रियल था बट नूबड़ा बंदा था। तो चलो हमने फाइनली इस गेम को भी भुइया कर लिया, और देख सकते हो भी फाइनली भुइया के साथ देख लेते हैं हमारा कितना प्लस होता है इस गेम के अंदर। तो इस मैच में हमको 70 का प्लस मिल गया, साथ में हमारा यहाँ पे ब्रॉन्ज 3 भी कम्प्लीट हो जाता है। 2000 years later. अब इसके अगले मैच में क्या हुआ, जस्ट एक बंदा बचा हुआ था और वो बंदा भी बॉट बंदा बचा था, लिटरली बता रहा हूँ, पता नहीं असली बंदे इसमें आए थे या फिर नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, शायद से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। इसको भी मैंने फिनिश कर दिया, ये बंदा बॉट था शायद से, और बाकी के बंदों का पता नहीं ये बंदा बॉट था, लेकिन खाओ माँ कसम। अरे इसमें कसम खाने की क्या बात है, बंदा बॉट था तो बॉट था, उसमें क्या कसम खाने की बात है। हमारे यहाँ पे देख सकते हो गोल्ड कंप्लीट हो गया, गोल्ड रैंक हमने ब्रॉन्ज से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, वो भी सिर्फ 7 गेम के अंदर, 7 गेम खेले ओनली और हमारा गोल्ड कंप्लीट हो गया। एंड यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो, मतलब कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है ना वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको सुबह नेक्स्ट वीडियो में, एंड वो CS रैंक का एपिसोड आने वाला है, वो सुबह आएगा, तो सुबह वाली वीडियो में मिलते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अपना ख्याल रखना, बाय मेरी जान।